जी हाँ प्यारे भक्तजनों, चले हम सभी को राम राम कहते हैं। एक ही हमारा धर्म है जो केवल भगवान का नाम लेकर एक दूसरे से हम मिलते हैं। जब कभी मिलते हैं, नमस्ते करते हैं, राम राम करते हैं, तो एक ही मात्र हमारा जो धर्म है राम राम से करते हैं। हम आए हुए हैं कुकू जो एयरपोर्ट के करीब से है और हमारी छोटी सी मंडली है। हर वक्त हम रामायण में, भजन में, कीर्तन में शामिल रहते हैं। हमें मौका मिला यहाँ आने पर, तो चलो हम भी नौदा भक्ति का कथा आपको सुनाएंगे। मगर ये जो नौदा भक्ति का कथा है, अगर आप अपन आप में लाओगे तब आप देखोगे कि नौदा भक्ति क्या कहते हैं। तो चले हम आग्रह करते हैं हमारे प्रचारक राजेंद्र प्रसाद दोहा से वो शुरू करेंगे, फिर हम चौपाई गाय के, तो फिर हम चौपाई से लेकर शुरू करेंगे। सभी को मेरा प्रणाम और खास करके जितने भी ब्राह्मण यहाँ पर बैठे हैं, आपके चरणों में मेरा दंडवत। आज की जो कथा हम लोग लेकर यहाँ उपस्थित हुए वो भी नौधा भक्ति के, और इतनी सुंदर कथा इससे पहले हमें सुनने को मिला जितने भी मंडलियाँ हैं, तो यही लगता था कि बैठ कर सुनते रहे, लेकिन चलो जो कार्य करने के लिए आए हैं उसे श्री गणेश करते हैं। और ये कथा आरण्यकांड की कथा है और श्री रामचंद्र जी की जो मिलन है वो शबरी माता से होती है, और शबरी माता से श्री रामचंद्र जी जो नौधा भक्ति है वो कहते हैं। और उनका जो ये संवाद है मेरे पहचान में या मेरे समझ में शायद रामायण का एक सबसे सुंदर भाग्य है, क्योंकि माता शबरी ने बहुत परिश्रम करके इस कथा को राम जी से सुना था। कई हज़ार वर्ष तक आप जानते उन्होंने राम जी का हर दिन जो मार्ग है उसमें फूल रखती थी और भगवान की इच्छा करती थी, क्योंकि उनको एक बार कह दिया गया था, आप जानते ही और कथा जो है, कि एक दिन साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर श्री रामचंद्र जी आपको दर्शन देंगे। और इस कथा का सबसे बड़ा बात यह है कि माता शबरी से ही क्यों कहा, क्योंकि माता शबरी ने जो भक्ति प्राप्ति की थी उसको श्री रामचंद्र जी ने उनको पुनः उनसे कहा, ताकि कलयुगी पुरुष हम और आप लोग उस कथा को समझें। और बाबा तुलसीदास जी की जो कथा कहने का तरीका है उसको देखिए। शबरी, बाबा तुलसीदास जी जब कथा लिखते, भगवान जब ये लीला रच रहे थे, आप जानते भगवान ने लीला रचा था, तो एक एक पात्र जो है रामायण में उनका अपना अपना सही स्थान है। अब माता शबरी को ही देख लीजिए, क्यों विधाता ने उनका नाम शबरी रखा था। शबरी शब्द आता है सब्र से, और अगर रामायण में कोई सबसे बड़ा भक्त है वो तो माता शबरी ही है। कई हजार वर्ष तक उन्होंने तपस्या नहीं किया, लेकिन सिर्फ भगवान का ध्यान किया, सब्र रखा। तो कलयुग में अगर भगवान को पाना है, सबसे बड़ी वस्तु जो हमें चाहिए वो है सब्र, पेशेंस। वही आज हमारे पास नहीं है। हाँ, शबरी सब्र। हमारे माता पिता, हमारे आजी आज हमारे पूर्वज क्या कहते थे, जब बच्चों का नाम रखो तो नाम का एक मतलब होना चाहिए, हर नाम का एक मतलब होना चाहिए। राम का मतलब, राम आप बोलते तो 108 जो व्यंजन का माला आप जाप कर देते। माता सीता, सीत जो हल्की नोक है उसके ऊपर रखी गई। हनुमान, क्योंकि उनका हनु टूट गया था जब इंद्र ने उनके ऊपर प्रहार किया था। हाँ, उसी तरह से सबरी। लक्ष्मण, उनका नाम लक्ष्मण था इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींचा। तो सब नाम का एक मतलब है। अब आप सोचिए इस कलयुग में हम क्या कर रहे, बच्चों का नाम ऐसा रख रहे जिसका मतलब तो छोड़ो सही तरह से बोला भी नहीं जाता है। ऐसे ऐसे नाम रखते हैं जो प्रोनाउंसिएशन करने का इतना डिफिकल्ट होता है। तो भक्ति का सबसे प्रथम पग सब्र रखो, सबरी की तरह। और जब भगवान उनसे मिलते हैं तो माता सबरी समझ में नहीं आता क्या करे, और वो कहती है कि मैं तो अधम से अधम जाति की हूँ, मैं बहुत नीच कुल की हूँ। तब वहाँ भगवान कहते हैं कि कुल जात मुझे कुछ नहीं दिखता। भगवान ये स्पष्ट करते हैं, ये कुल ये जाति हमारा बनाया हुआ है, भगवान ने इसे नहीं बनाया है। भगवान सिर्फ भक्ति देखते हैं, और हमारा पूरा संसार भक्ति सिर्फ दो चीज़ों पर रुका है, विश्वास और सब्र। पूरे विश्वास पे ये
ये चराचर जगत रुका हुआ है, हम विश्वास से ही पूजन करते हैं, और सब्र, क्योंकि पेशेंस इज द बिगेस्ट वैल्यू। और इस प्रकार से चलो कथा को पहले गाते हैं फिर उसका मतलब निकालते हैं। मन तो लगा रामायण में, रामायण में सिया रामा में, मन तो लगा रामायण में, रामायण में सिया रामा में, माता सबरी से कहते हैं कि पहला तो ये मुझे जात पात से लेन देन नहीं है, क्योंकि आपने एक दृढ़ भक्ति दिखाया है और भगवान को वही प्यारा है, भक्ति, भक्तों का भक्ति, भगवान ये जात पात नहीं देखते। तो अब माता सबरी से भगवान वो कथा कहते हैं जो इस कलयुग में, जो इस कलयुग में हमें अपने जीवन में लाना है। ये जो रामायण ग्रंथ है ये हमारा जीवन का एक गाइड है, ये कलयुग में कैसे जीना है। तो भगवान नौदा भक्ति में कहते हैं कि नौदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सवधान मन करि मन माही, प्रथम भक्ति सत कन रसंगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा। सबसे पहला भक्ति क्या है? संतों का संग, संतों का संग। अब ये कलयुग में समझना चाहिए, बहुत संत दिखाई देंगे। एमसी साहब कह रहे थे वो कहानी राक्षसों का ना, कलयुग में कोई राक्षस बड़े बड़े कान बड़े बड़े दांत वाले नहीं, सब हमारे तरह ही हैं, क्योंकि राक्षस हमारे अंदर ही है। तो आपको समझना है संत कौन है कौन क्या है, ये बहुत ही अनिवार्य है। ये समझे कि संतों का संत है कौन, जो आपको सत्य राह दिखाए, जो आपको सत्य दिखाए, वो नहीं जो 2 बजे रात तक आपके साथ बैठ कर नगुना पिए और तर्क लगाए रावण के नाना कौन था, इनके पति कौन था, ये कौन था, वो संत नहीं है, वो संत नहीं है। संत वो है जो सत्य दिखाए, क्योंकि जीवन में जब तक सत्य नहीं आएगा भक्ति नहीं आएगा। तो प्रथम कर संतों का संगत, और दूसरा दूसरी रति मत कथा प्रसंगा, दूसरी मेरा जो कथा है उसमें रति लगा, उसमें ऐसा डूब जाओ, ऐसा डूब जाओ कि आप जब कथा सुन रहे हैं तो आपके ध्यान में कुछ और नहीं आए। भगवान कहते हैं कि मेरी कथा में प्रीति करना दूसरी भक्ति है। आज हम लोग यहाँ बैठे क्यों? क्योंकि रामायण से आपको एक प्रीति है, और जिस चीज़ से आपका प्रीति होता है, जिस चीज़ से आपको प्यार होता है, आप उसके लिए जान देने को भी तैयार होते ना। तो वो प्रीति रामायण से लगाइए, राम की कथा से लगाइए, भगवान की कथा में लगाइए। तो पहला संतों का संग, और ये नौधा भक्ति एक दूसरे से जुड़े। ये प्रीति हमें आएगा कब? जब सही संत का साथ मिलेगा, वो संत आपके अंदर वो प्रीत जगाएगा जिससे भगवान से आपको प्रीति हो जाएगी।
आगे बोलते हैं कि गुरु पद पद सेवा तीसरी भक्ति अमाम, तीसरा भक्ति गुरु का जो पद है, जो चरण है उसकी सेवा। अब ये भी लोग गलत तरह से देखते, साल भर में एक दिन गुरु पूर्णिमा आता है, गद्दी लगाकर गुरु का पैर धोआकर माथे पर पानी लगाते थे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु है कौन पहले? मैं नहीं कहता वो नहीं कीजिए, लेकिन साल भर तो गुरु का ध्यान ही नहीं है, एक दिन गुरु को पदवी लगाकर बैठा दिया। और जो घर में पहला गुरु है, माता पिता कभी उनका पैर धुलाया? जिसने अपने माता पिता का पैर नहीं धुलाया उसे किसी भी गुरु का पैर धुलाना व्यर्थ है, व्यर्थ है। सबसे पहले अपने घर में जो गुरु है, माता पिता, और फिर जो ज्ञान के गुरु है। और यहां पर दो बातें आती है, भक्त का काम है गुरु की सेवा करना, लेकिन गुरु को भी चाहिए अपने आप को उस अवधि पर रहना, उस जगह पहुंचना जहां भक्तों को आप राह दिखा सके, सत्य समझा, तब आपकी शरण की सेवा होगी। और गुरु जात पात से नहीं, गुरु वही है जो आपको सही ज्ञान दे, गुरु वही है जो आपको पहला भक्ति सत्य दिखाए, वो गुरु है। मेरा गुरु एक बच्चा भी हो सकता है अगर मैं उससे कुछ अच्छा सीखता हूं, तो गुरु वही है जो हमें सत्य दिखाए, जो हमें सिखाए, जात पात से लेना देना नहीं है। और बोलता है चौथा भक्ति मन गुनगाना करे कपट तजी गाना। और चौथा भक्ति क्या है? कपट त्याग कर, कपट त्याग कर मेरा गुण गाए। कपट, अभी यहां इतने मंडली आए हैं, मैंने सभी को सुना, आप सभी को सुन रहे, अगर मेरे हृदय में थोड़ा सा भी ईर्ष्या आ गया कि मैं उनसे अच्छा बोलता हूं या वो मुझसे अच्छा बोलता है, तो व्यर्थ है ये कथा मेरे लिए। कपट आ गया, या मैं उससे अच्छा जानता हूं, या मैं किसी का भलाई कर रहा हूं लेकिन मन में अपनी बात सोच रहा हूं, इसमें मेरा क्या फायदा? तो देखिए ये जो भक्ति चार पग हमने कहा, सब एक दूसरे से जुड़े हैं ना। आगे चले चौपाई में गाते हैं और देखिए आगे की भक्ति। कही गे भैया लोग सयाने, राम की बातें राम ही जाने। तो भगवान कहते हैं क्या, नौ प्रकार की भक्ति। प्रथम संतों का संगत, दूसरा
मेरी कथा में प्रीति रखना, चौथा गुरु के चरण कमल में अभिमान त्याग कर सेवा करना, और फिर चौथा जो है वो है जो त्याग है, जो मन में जो कपट है उसे त्याग दे। और फिर कहते हैं मेरा मंत्र ही विश्वास से करके भजन करना पांचवी भक्ति है। जैसे मैंने कहा ये पूरा संसार जो आज रुका है विश्वास पे ही है, मानो तो गंगा माँ है या तो बहता पानी, विश्वास ही सब कुछ है। हाँ, तो विश्वास जो छठी भक्ति है विश्वास है, बिना विश्वास के कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जब हम पैदा होते हैं हमें नहीं पता है कौन हमारे माता पिता है, जब समझ में आता है लोग कह देते हैं तुम्हारे माता पिता, हम विश्वास कर लेते। हाँ, विश्वास पे सब कुछ टिका है, ये छठा भक्ति है। और छठा भक्ति है इंद्रियों को जीतना, पांचवा भक्ति विश्वास, छठा अपने इंद्रियों को काबू में रखना। अगर आप महाभारत की जो एक तस्वीर है जगह जगह लहरीती है, जहाँ कृष्ण जी रथ को हाँक रहे, अर्जुन जी पीछे खड़े हैं, तो पूरा महाभारत का जो कथा है, जो गीता का ज्ञान कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था, यही है उस रथ में। आप गिनिए पांच घोड़े हैं, वो घोड़े का लगाम भगवान के हाथ में दे दियो। पांच घोड़े कौन है? पांच इंद्रियां, हमारे पांच इंद्रियां जो है उसका लगाम भगवान के हाथ में दे दीजिए, खुद इंद्रियां आपके बस में हो जाएगी। ये छठी भक्ति है। वैराग और संत कर्म से प्रीति तथा सज्जनों के धर्मों का निरंतर आचरण करना, ये उनकी दूसरी भक्ति है। और इस प्रकार से सब जगत को राम में देखना और संतों में मुझ में ही अधिक जानना, ये सातवीं भक्ति है। ये सातवीं भक्ति क्या है? सभी में राम को देखो, यानी कि सभी एक है। वसुदगम कुटुंबगम, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा तत्व है, ये पूरा संसार एक परिवार है, वो यही नौधा भक्ति में से ही आया है। पूरा जो विश्व है एक कुटुंब है, ये है हमारा हिंदू धर्म का सही परिमाण। हमारे में विभाजन नहीं होना चाहिए। ये विभाजन अंग्रेजों ने और उससे पहले मुगलों ने किया था। खेत की बात ये है, वो तो चले गए, हम इसको लेकर अभी भी अपने अपने झोड़ी झंडा लेकर कोने कोने में जा रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है, उसे बंद करना है ये। और सातवीं भक्ति है, और जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, कितना भारी बात है, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना है। आठवीं भक्ति है शांति, और यही तो कलयुग में मिलता नहीं ना, भागते रहते लोग, भागते रहते ना, लेकिन इंद्रों को बस में करो शांति आ जाएगा। नवम सरल सब छल है ही ना, और नवम भक्ति क्या है? छलहीन रहना, किसी से छल कपट मत रखो, ये भगवान का नौधा भक्ति है। प्रिय श्रोतागण, समय अभाव के कारण अब हमारी मंडली एक छोटी सी कीर्तन करेगी और दोहा, और उसके बाद कीर्तन करेगी। सब प्रकार तब भाग बड़ा मम चरण अनुराग, तब महिमा जही उर्वशी सासु परम जग भाग हो, जय 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 सिया राम हो। धन्यवाद। चले हम एक कीर्तन करते हैं। जो तुम जाओगे, 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 जाओगे, जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे,
तुम जाओगे, जो तुम जाओगे। भक्ति छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। भक्ति करके मन भजले भाव से तरोगे, करके मन भजले भाव से तरोगे, भक्ति बिना प्राणी तो माया में फंसोगे, भक्ति बिना प्राणी तो माया में फंसोगे, भक्ति बिना प्राणी तो माया में फंसोगे, भक्ति बिना प्राणी तो माया में फंसोगे। भक्ति छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। तो ये थी नवधा भक्ति की कथा, और हमारे कहने बजाने में किसी तरह से आप भूल चुक जो है तो बच्चा समझ के हमको क्षमा करना। जय श्री राम।